तो एक तो ये कार पक्की हो गई पिछले 24 घंटे में बात कि अगले 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। वन नेशन वन लीडर का जो उनका वो आइडिया चल रहा है उसके तहत एक तरफ वो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेज रहे हैं और अपनी सारी पार्टी के सारे नेताओं की राजनीति खत्म कर रहे हैं। देखिए कल मैंने बोला था कि मैंने क्या बोला था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कानून बनाया था, अपने नियम बनाए थे बीजेपी के लिए कि 75 साल की उम्र होने पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको कोई भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी नेता को किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं देगी और उनको रिटायर किया जाएगा। उस नियम के आधार पे आडवाणी जी को रिटायर किया गया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, सुमित्रा महाजन जी को रिटायर किया गया, यशवंत सिन्हा जी को रिटायर किया गया, रीता बहुगुणा जोशी जी को रिटायर किया गया, संतोष गंगवार जी को, कई लोगों को रिटायर किया गया, यशवंत सिन्हा जी को रिटायर किया गया। तो कल जब मैंने कहा कि उस नियम के हिसाब से 17 सितंबर 2025 यानी कि अगले साल प्रधानमंत्री जी जब 75 साल के हो जाएंगे तो वो भी रिटायर हो जाएंगे, जब मैंने ऐसे कहा तो कल मैंने देखा कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने ये कहा कि वो नियम 75 साल वाला मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि जब भी ऐसा कुछ होता है, जब किसी पार्टी के सबसे बड़े नेता के ऊपर कोई टिप्पणी की जाती है तो जाहिर तौर पे उनकी पार्टी के लोग उनको उनके समर्थन में बोलते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला अभी, उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नहीं हम उनको रिटायर नहीं होने देंगे, उनको ये उनकी भावना है, उनके पार्टी के नेताओं की भावना है। प्रधानमंत्री जी ने जो नियम बनाया जिसके तहत आडवाणी जी को रिटायर किया गया, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी किसी भी हालत में उस नियम को अपने ऊपर लागू होने से नहीं रोकेंगे। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि उस जिस नियम में आडवाणी जी रिटायर हुए मैं उस नियम पे अपने ऊपर नहीं, या तो प्रधानमंत्री जी कह दें कि वो नियम अब मेरे ऊपर लागू नहीं होगा, आडवाणी जी के लिए बनाया था वो, या तो वो कह दें, लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कहेंगे। तो जाहिर तौर पर बाकी नेता सारे सपोर्ट कर रहे हैं उनको, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो रिटायर होंगे वो, ऐसा मेरी गुजारिश यह है कि प्रधानमंत्री जी ये बता दें कि उनका सक्सेसर कौन होगा, नहीं तो आपस में मारकाट मचेगी उनके अंदर। दूसरी चीज, एक और चीज है, कल मैंने जो कहा कि वन लीडर वन नेशन का जो उनका वो आइडिया चल रहा है उसके तहत एक तरफ वो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेज रहे हैं और अपनी सारी पार्टी के सारे नेताओं की राजनीति खत्म कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की वसुंधरा राजे की डॉक्टर अमन सिंह को राजनीति से गायब खत्म कर दिया, खट्टर साहब को कर दिया, और अब जब मैंने जनता से पूछा सारी जनता बोली योगी जी का अगला नंबर है। तो कल इनकी पार्टी के सारे नेताओं ने मोदी जी के लिए तो कहा कि मोदी जी पे 75 साल वाला लागू नहीं होगा, लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। तो एक तो ये कार पक्की हो गई पिछले 24 घंटे में बात कि अगले 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। इस देश के बच्चे बच्चे की जुबान पे ये था कि योगी जी को अगले 2 महीने में चुनाव जीतते ये लोग हटाएंगे, तो ये बात तो कल पक्की होगी कि योगी जी को हटाया जाएगा।